Okay, done? Yes. लिखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैं बात करूं कि अर्थ की एमजीएच आपने बात कर रहा, पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टार्ट बात की जाए ग्राउंड लेवल पे तो जीरो है, बिकॉज एच इक्वल्स टू जीरो। अब आप ऊपर जाते हैं तो वो हो जाती है एमजीएच, ठीक है ना। अगर हम नीचे से ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे MgH2 minus H1 change in potential energy, height 2, height 1 का difference। एक रेफरेंस तो मानना पड़ेगा जहां पर आपको जीरो लेना पड़ेगा, अगर आप बेसिक से ना पढ़े होते ऐसा। माना ये गया है कि डाइपोल को एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री में रख दिया जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ओके, तो अब उसके बाद अगर आप उसको जितना भी एंगल दे रहे हो तो वो तो वर्क करना पड़ेगा, वो स्टोर होगा, तो वही कहलाएगी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरली टेकन एट जीरो, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरली टेकन एट जीरो, when the dipole is at 90 degree, when the dipole is at 90 degree, then potential energy in rotating the dipole, and inclining it at an angle theta, and inclining it at an angle theta is given by बस अभी यहां लिखिए, अभी देखा आपने वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, BE cos theta 1 minus cos theta 2, cos theta 1 में theta 1 इनिशियल एंगल, theta 2 बेटा फाइनल एंगल, लिखना बंद करिए, यहां देखिए theta 1 इनिशियल एंगल, theta 2 फाइनल एंगल। W को U बनने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपने theta 1 बराबर ले लिया 90 डिग्री और theta 2 आपने उस 90 डिग्री से उसको घुमाना शुरू किया, मतलब कोई भी एंगल theta, वर्क डन ही तो U में कन्वर्ट होता है, यस और नो। उसी W को आप MGH बोलते रहे हैं, उसी को आप P.E बोलते रहे, पोटेंशियल एनर्जी, उसी को आप U बोलते रहे हैं, यस और नो, पोटेंशियल एनर्जी। सो ये कहलाएगा U इज इक्वल्स टू PE cos 90 माइनस cos थीटा, मेरा एंगल मेरे मन का, मैं जितना घुमाऊं बस घुमाना शुरू कहां से करूंगा 90 से, सो PE cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 minus cos theta, answer will be minus PE cos theta, note करिए, so U is equals to minus PE cos theta, ये है dipole की potential energy, किसी angle theta के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्रेरली एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल, जहां पे आप चाहें वहीं पे डाइपोल की एनर्जी जीरो ले लो, मगर एक रेफरेंस को आपको मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा मतलब वो डाइपोल को अलाइन कर लेगा, डाइपोल को क्या कर लेगा बच्चों, अलाइन। अगर डाइपोल को अलाइन कर लेगा मतलब कि कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जा रही है और ये है माइनस से लेके प्लस, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर ये यहां आ गया
तो प्लस क्यू ये इधर लगेगा चालीस पे, प्लस क्यू ये इधर खींचेगा, और माइनस क्यू पे कहाँ लगेगा बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ ये ऐसा आ गया थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री कम हो गया, तो माइनस क्यू पे कहाँ लगेगा बच्चों पीछे की तरफ, यस नो अपोजिट लगते हैं ना, तो ये कंडीशन थीटा इक्वल टू जीरो पे यू इक्वल टू माइनस पी होगा, कैसे होगा ये भी आप देख लीजिए, अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो रख दें, थीटा की वैल्यू कितनी रख दें cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1, देन 0 माइनस 1 इनटू p इक्वल टू माइनस p, बता दूं मैं आपको सॉल्व करके, देखिए अगर आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है PE 0 माइनस cos थीटा माइनस PE माइनस cos थीटा, सीधे लिखते हैं माइनस PE cos थीटा, आपने कहा थीटा इक्वल टू 0, सो u इक्वल टू माइनस PE cos 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, सो इट इज माइनस PE, ओके सो u इक्वल टू माइनस p, हालात देखिए डाइपोल के, एक फोर्स जोरदार यहां खींच रहा है, एक फोर्स जोरदार यहां खींच रहा है, डाइपोल को कोई टेंशन नहीं है, यस और नो, ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, यस और नो, अगर इसी को मैं 180 डिग्री से घुमा दूं, मतलब ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया और ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गया, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, समझ रहे हैं क्या हाल होंगे, मतलब प्लस चार्ज यहां चला गया है तो फील्ड इसको धक्का किधर मारेगा, फील्ड नहीं गया ना भाई, डाइपोल गया है, अगर डाइपोल यहां गया है मतलब प्लस चार्ज इधर की ओर चला गया है और माइनस इधर की ओर, मतलब प्लस चार्ज पर तो फील्ड की डायरेक्शन में ही धक्का लगेगा लेफ्ट टू राइट, मगर इसमें लगेगा राइट टू लेफ्ट, क्या इनकी आत्मा सुखी होगी, भटकती रहेगी अभी भी, भटकती रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये, कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले तो ठीक था खींच बेटा तू इधर से खींच तू इधर से खींच, मैं हूं मजे में, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं है ना, खींचते रहो, मगर अब क्या है ये लड़ मरने के लिए तैयार है, घर ही घर में विवाद मच गया है, समझ गया ना, ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर बन जाएगा, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, रख करो, तो ये क्लियर हो गई, आई होप तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से बनने लगे, ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, ओके आपसे भी पूछेगा बताइए डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री एंगल पे कितनी होती है, आंसर नेगेटिव, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नेगेटिव, एंड ओके, तो ये हुआ अपने पॉइंट टॉपिक 2 का, ठीक है ना, टॉपिक 3 स्टार्ट करते हैं, अब टॉपिक 3 ओके टॉपिक 3 डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गॉस थ्योरम ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड गॉस थ्योरम ओके चलिए देखते हैं सबसे पहला इसका हेडिंग है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल चलिए यहीं से शुरुआत कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई ए पी लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन और लाइन के अलोंग मतलब ई डॉट डी एल या इसे आप कहेंगे ई डॉट डी एक्स ठीक है ये वेक्टर फॉर्म दोनों होंगे क्योंकि ये भी वेक्टर होता है ये भी वेक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ये कहलाता है या आप इसे ये भी कह सकते हैं E dot dr yes or no चेंज होने के कई मायने हैं आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
in moving it from one point to the another point in the electric field. Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्या पढ़ा हमने? नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम one point to the other. Understood? Moving one point to the other. एक और बात, unit positive charge पे किया हुआ work done क्या potential नहीं कहलाता है? देखते हैं. अगर V is equals to W upon Q, yes or no? पढ़ाना class 10th में. V is equals to W upon Q. The work done on the unit positive charge. Work done per unit charge is called potential. Work done per unit charge is called potential. Joule per coulomb is called volt. Joule per coulomb is called volt. बेटा आ रहा समझ में ना? समझते जाइएगा. तो maybe हम इसको बाद में potential कहेंगे. वो मैं भी आपके सामने secret disclose नहीं करूँगा. क्योंकि पहले मैं आपको उस way में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ से मैं लेके जाता हूँ हमेशा. E is equals to last class में पढ़ाया था मैंने dV by dr. या ये कह लीजिए E is equals to मैंने पढ़ाया था minus dV by dl. Yes or no? अब की पढ़ाई और अब कल की पढ़ाई में या dV by dx कितना फर्क आ गया? चलो इसी को उठा लेते हैं. So since E equal to minus dV by dx, so E dot dx equals to minus of dV. Yes or no? ये किसने बोला? ये पब्लिक लाइन है. E dot dx equals to minus of dv. Now integrating both side. Integrating both side. Integration E dot dx is equal to minus of dv. dv का कितना आएगा? V is equals to E dot dx. क्यों लगा दिया? Dot product होगा तभी तो इसके अंदर quantity generate होगी. So you can say that voltage equals to is minus sign पे आ रही है minus of E dot dx. अब clear है sir कि जो voltage होता है वो electric field का line integral होता है. Voltage क्या होता है? Electric field का numerical बनेगा. Electric field की value आपको दे दी जाएगी और उसको integrate करने को बोला जाएगा. क्या करने को बोला जाएगा? Integrate करने को with respect to x. Maybe with respect to y. Whatever आपको किसी ना किसी के respect में आपको integrate करने को बोला जाएगा. कर लोगे integrate ना? कोई problem? एक बार. So v is equals to minus of e dot dx. Now it is clear. Almost it is clear. E का function दे दिया जाएगा और उसके respect में आप integrate कर लोगे. Clear बच्चों? So यहाँ पे यही लिखा है. Work done per unit charge. Work done per unit charge. Work done per unit charge is also called potential. So what we have learned, negative line integral of electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge moving it from one point to the another point in the electric field. बेटा आप V लिखते हो तो potential होता है और अगर आप VAB लिखते हो तो वो हो जाता है potential difference. वो क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल VA माइनस VB. सो डोंट वरी अगर आप यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नापना चाहते हैं सो आप लिख सकते हैं VAB इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx. फिर तो आप जरूर कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने? x की बस लिमिट रखेंगे आप. x की वैल्यू a से लेके x की वैल्यू बीता क्योंकि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापना है. फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पे इस चीज को कि VAB is equals to negative of integration of E dot dx from starting from x equals to a to x equals to B. Is it clear? Okay, so E dot dx from a to b. Okay. ये देखिए लाइन इंटीग्रल पॉइंट ए
पोजीशन वेक्टर आर ए, पॉइंट बी पोजीशन वेक्टर आर बी, इसके अलोंग आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस करना यहां से लेकर के यहां तक क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बट आई होप इट इज क्लियर। ओके यस, देखते हैं अब इसका हम डेरिवेशन करने जाने वाले हैं पोटेंशियल का। ओके इसका हम पोटेंशियल का डिफरेंस डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी बातों को पढ़ना शुरू करेंगे। लेट क्यू जीरो बी द डिस्चार्ज इन ए प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह यहां पे टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू जीरो। क्या ले लिया? क्यू जीरो। एक हमने टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू जीरो। ठीक है बेटा, लेट क्यू जीरो बी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द प्लेस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा यहां पे रखा है सोर्स चार्ज, ये इसको धक्का मारेगा ना फिर आगे की ओर जाएगा। फोर्स कितना लगेगा? F equal to Q naught into E। पढ़ा था कल F equal to QE, तो Q0 पे कितना लगेगा फोर्स? F equals to Q0 into E। This is the force F equals to Q0 into E। Okay? Now, किसके कारण एक्ट करेगा? प्लस क्यू के कारण। कहां पर? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड द फोर्स F equals to Q naught E acts on the test charge due to the source charge plus Q. It is radially outward and tends to accelerate the charge. ये चाहेगा मैं चार्ज को फेंक दूँ। To prevent this, an acceleration equal and opposite force minus Q zero E has to be applied on the test charge. अब हमारा क्या है? हमको यहाँ से यहाँ घुमाना भी है। इसको रोकने के लिए हमको एक opposite tendency का फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कितना होगा? माइनस क्यू नॉट ई। वेरी सिंपल, माइनस क्यू नॉट ई। सो फोर्स तो मिल गया। क्या मिल गया? फोर्स मिल गया। टोटल वर्क डन निकालना है। अब टोटल वर्क डन क्या कर रहे हैं? जैसा हर बार किया, क्यू जीरो चार्ज लेके टोटल वर्क डन निकालेंगे। सो वर्क डन इक्वल्स टू आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। वेट 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 वेट, दूसरा तरीका